दिन और। पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाएं सावधान, दिखी तो तुरंत जब्त हो जाएगी पुरानी गाड़ी। योगी ने पुरानी गाड़ी रखने वालों के लिए चलाया अभियान। जी, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो अब योगी के उत्तर प्रदेश में आप उस गाड़ी से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर निकले तो संभव है कि आप भी गाड़ी समेत उठा लिए जाएं। जी, स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अब गौतम बुद्ध नगर में भी परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। इससे पहले एनजीटी के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था और अब वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है योगी सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्क्रैपेज पॉलिसी में लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो परिवहन विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने अभी तक जिलों में 1,19,612 ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया है जो 15 साल पुराने हैं। अब 1 फरवरी से जब्त करने का विशेष अभियान चलाने की योगी सरकार ने ठानी है। विभाग ने इसके लिए एक टीम का गठन किया है। आरटीओ सियाराम वर्मा ने इस बारे में बताया कि 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों के मालिकों को नोटिस 2 महीने पहले ही भेजा जा चुका है। ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट या फिर परिवहन विभाग ने एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में जाने की छूट दी है। सरकार को परेशानी इस बात से है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, जिसके बाद अब कल से इन गाड़ियों के जब्तीकरण का अभियान योगी सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बताएं तो जिन पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है उनके नंबरों की सीरीज UP16 और UP16Z से शुरू होगी। जब्त किए गए वाहनों को डंपिंग पार्क में ले जाया जाएगा और इनके लिए स्क्रैप सेंटर फरवरी में ही शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस अभियान में सरकारी वाहन बख्श दिए जाएंगे, सरकारी वाहन भी होंगे जब्त। जब्त किए जाने वाले वाहनों में निजी के साथ साथ सरकारी वाहन भी होंगे। ये वो सरकारी वाहन हैं जिन्हें 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। आरटीओ वर्मा के मुताबिक BS1 और 2 के साथ ही Euro 1 और 2 मॉडल्स को NOC जारी नहीं होगी। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 1,13,190 और डीजल वाहनों की संख्या 6,422 है। इनमें Euro 1 गाड़ियां 84,299 है और यूरो गाड़ियां 3,843 हैं। ये सभी गाड़ियां 1993 और उसके बाद के साल में रजिस्टर हुई हैं। इन्हें छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों के लोग एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले ही फैसला दे दिया था। कह दिया था कि दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो ये घोषणा जारी करे कि अगर पुराने प्रतिबंधित वाहन सड़क पर चलते दिखाई देते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर और भयावह करार दिया था। मतलब कुल मिलाकर अब पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियों को शहर में नहीं चलाया जा सकता है और पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों का तो पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि डीजल की पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने के लिए एजेंसियों की लिस्ट जारी भी कर दी गई है। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है, डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के मालिकों को ये विकल्प भी दिया गया है, अगर वो चाहें तो अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवाकर चला सकते हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में रेट्रोफिटमेंट के प्रोसेस के नियम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक किट अप्रूव्ड एजेंसियां ही लगाएंगी, वही मान्य होगी। वैसे आप पेट्रोल डीजल के पुराने वाहनों को लेकर की गई सख्ती पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।